आपको पसंद आने वाली है। मोदी जी का बोहरा समाज के साथ एक बहुत खूबसूरत मीटिंग रही और मोदी जी की जो ये स्पीच है ये बहुत 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 ज्यादा वायरल रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलके देखते हैं और इस वीडियो का लुत्फ उठाते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को मोदी जी स्पीच माई फेवरेट मोदी जी हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मान्यवर महानुभाव आप सभी के बीच आना पहली दफा देखी है मैंने ये मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। ऐसे अपनाते हैं हम और जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा फिल्म देखी तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। क्या बात है यार, सब हैरान है, सब बड़ी एज के बैठे हैं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं चार पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, चार पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई है। क्या बात, मौलाना जी तालियां बजा रहे हैं। कोई समुदाय, कोई समाज या संगठन, उसकी पहचान इस बात से होती है वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। आज अल जमाया तुस सैफिया जैसे शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र का विस्तार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को मुंबई शाखा शुरू होने की और 150 साल पुराना सपना पूरा हुआ है, आपने पूरा किया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत दिल से बधाई देता हूं। साथियों, दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता ना हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया वो प्यार एक प्रकार से बरसता रहता है और मुझे तो मैं हमेशा एक बात जरूर बताता हूं, मैं सैयदना साहब 99 एज थी, मैं ऐसे ही चला गया वहां सरतपुर। 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी,
मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है। बड़ी उम्र है, क्या कमिटमेंट, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का सैयदना साहब का क्या कमिटमेंट है। 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को बड़ी पढ़ाना बात है, बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ 800,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, बड़ा स्टैमिना। मेरे दिल को वो दृश्य हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहता है। गुजरात में रहते हुए हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा है, कई रचनात्मक प्रयासों को साथ मिलकर के भी आगे बढ़ाया है। और मुझे याद है सैयदना साहब की शताब्दी का वर्ष हम मना रहे थे और सूरत में हमारा बहुत बड़ा जलसा था, मैं भी था उसमें। तो सैयदना साहब ने मुझसे कहा तुम मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। मैंने कहा मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला। लेकिन उनका बड़ा आग्रह था तो मैंने कहा देखिए गुजरात को हमेशा पानी का संकट रहता है, उसमें कुछ जरूर। और मैं आज भी कहता हूं उस एक बात को, आज इतने साल हो गए पानी के रक्षा के काम में आज भी बोहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए, जी जान से लगे हुए, ये मेरा सौभाग्य है। और इसलिए मैं कहता हूं कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर जल संरक्षण के अभियान तक समाज और सरकार कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। और विशेषकर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, उनके साथ जब भी मुझे चर्चाएं करने का अवसर मिला, उनकी सक्रियता, उनका सहयोग मेरे लिए भी एक प्रकार से मार्गदर्शक रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। और जब मैं गुजरात से दिल्ली गया आपने गादी संभाली, वो प्यार आज भी बना हुआ है, वो सिलसिला चलता रहा। इंदौर के कार्यक्रम में हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब और आप सब ने अपना जो स्नेह मुझे दिया था वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। साथियों, मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही हैं। मैं उनको कभी कहता हूं इतनी ठंड में आप क्यों कर सुनाते हैं, नहीं बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई दे। आप सभी की ये भावनाएं, ओए ओए, आपका ये प्यार, क्या बात है यार, सब तो हैरान है, सब बड़ी एज के वो बैठे हैं। साथियों, बुजुर्ग, कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई दशकों के सपने लगे होते हैं। मुझे बात पता है कि मुंबई शाखा के रूप में अल जमाया तु सैफिया का जो विचार हो रहा है, इसका सपना दशकों पहले ही जो होलीनेस सैयदना अब्दुल कादिर नईबुद्दीन साहब ने देखा था। उस समय देश गुलामी के दौर में था, शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा सपना, मौलाना जी तालियां बजा रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो सपने सही सोच से देखे जाते हैं वो पूरे होकर के रहते हैं।
आज देश जब अपनी आजादी के अमृत काल की यात्रा शुरू कर रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा समाज के इस योगदान की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और जब आजादी के 75 साल की याद करता हूं तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, और मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप सूरत जाएं या मुंबई आए एक बार दांडी जरूर हो आइए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है कि दांडी यात्रा में दांडी में नमक सत्याग्रह के पहले गांधी जी आपके घर में रुके थे दांडी में, और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपसे प्रार्थना की, सैयदना साहब से मैंने कहा, सैयदना साहब मेरे दिल में बहुत बड़ी इच्छा है, एक पल के गंवाए बिना वो बहुत बड़ा बंगलो समुद्र के सामने है बिल्कुल, वो पूरा बंगलो मुझे दे दिया और आज वहां बढ़िया स्मारक बना हुआ है दांडी यात्रा की स्मृति में। सैयदना साहब के वो यादें दांडी यात्रा के साथ अमर हो चुकी है जी। आज देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे सुधारों के साथ, यहां बहुत सारे पुराने और आज वर्तमान वाइस चांसलर्स बैठे हैं, मेरे सारे साथी रहे हैं, अमृत काल में जिन संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ी महिलाओं को बेटियों को आधुनिक शिक्षा के नए अवसर मिल रहे हैं, इसी मिशन के साथ अल जमायतु सैफिया भी आगे बढ़ रहा है। बड़ी बात है, करिकुलम आधुनिक शिक्षा के हिसाब से अपग्रेडेड रहा है और आपकी सोच भी पूरी तरह से अपडेटेड रहती है, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर इस संस्था के योगदान सामाजिक बदलाव को एक नई ऊर्जा दे रहा है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में भारत कभी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का केंद्र हुआ करता था, पूरी दुनिया से लोग यहां पढ़ने और सीखने आते थे। अगर हमें भारत के वैभव को वापस लाना है तो हमें शिक्षा के उस गौरव को भी वापस लाना होगा, इसलिए आज भारतीय कलेवर में ढली आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ये देश की प्राथमिकता है। इसके लिए हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 8 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में यूनिवर्सिटीज भी खुली है, मेडिकल एजुकेशन जैसे फील्ड में जहां युवाओं का रुझान भी है और देश की जरूरत भी है, उसे देखते हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। आप देखिए 2004 से 2014 के बीच देश में 145 मेडिकल कॉलेज खोले थे, जबकि 2014 से 2022 के बीच 260 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और बोरा समाज से मोदी जी का ये खिताब बहुत बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया, और कहा जाता है कि ये बोरा समाज जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी का एक ऐसी फैमिली है जो कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, पीस इनमें बहुत ज्यादा लविंग है, प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मोदी जी का इनसे 5 नस्लों तक का नाता है। अमेजिंग। और उन्होंने कहा कि ये जो मदरसा है अल जामियतुल सफिया 150 साल का सपना आज पूरा हो गया,
और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो सपने होते हैं ना, सपनों की दिशा ठीक होनी चाहिए, तभी वो सच होते हैं। हर सपना प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता, और जो आप सोचते हो समटाइम वो चीज आपके लिए करना ना करना वो एक इंसान को कंफ्यूज कर देता है, मैं ये करूं कि ना करूं। हम तो भारत में ही गए और हम वीडियो के थ्रू उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, तो मुझे मोदी जी की बात बहुत अच्छी लगी। वो किसी भी समाज में जाते हैं उन्हीं के ही हो जाते हैं, हर रंग में रंग जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मुझे रीजन ये लगती है कि मोहब्बत अपनायत है, सबका साथ सबका विकास। वो जो इनका एक नारा है ना, उसमें जान है, वो दिखता भी है। और उन्होंने कहा कि जैसे आप बार बार कह रहे थे हमारे जो है प्रेसिडेंट जो है हमारे मोदी जी, वो कह रहे हैं मैं तो आपका फैमिली मेंबर हूँ, आप बार बार वजीर आजम कह कह के मुझे पराया जैसा फील हो रहा था। तो अगर सब कम्युनिटीज आपस में रहे, मोदी जी एक मुसलमान के भी वजीर आजम है, वो एक क्रिश्चियन के भी वजीर आजम है, वो एक हिंदू के भी वजीर आजम है, तो वो जो अपनी एक सीट की जो इज्जत है, वकार है, मैयार है, पीएम होने का और बढ़ाते जा रहे हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी सामने बैठ के मोदी जी को सुन रही है, उनके लिए तालियां बजा रही है, तो इससे खूबसूरत मोमेंट कोई नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा कि हमारे पीएम, क्योंकि वो भी तो हिंदू के भी पीएम है ना, हमने नहीं देखा कि हमारे पीएम किसी हिंदू लोगों के इनोग्रेशन में गए हो, या फिर उनके मंदिर में गए हो, उनके होली पे गए हो, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम रखा हो, मैंने नहीं देखा। अगर हुआ होगा तो मुझे नहीं याद पड़ता कब था, मुझे तो नहीं याद। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमारे टीवी पे जरूर चलना था। और ये जो वीडियो है मुझे इतनी पसंद आई, इसकी और एक वजह भी है कि कहा ये जाता था कि मोदी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, ये कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हिंदू बन जाए, लेकिन वो तो कहते हैं मेरे समाज की खूबसूरती है, आप लोग तो हमारे साथ जब चलते हैं हमारी बातों को समझते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके प्यार ने। जैसे गुजरात का वाक्य उन्होंने बताया, पानी के जो मसले का हल बताया, उनका कहने का ये मतलब है कि जब जब बोरा समाज से हमने ताल्लुक निभाए हैं, हेल्प मांगी है, तो वो एक यादगार चीज रही है। तो अमेजिंग है, मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में भी ऐसा ही हो कि हमारे वजीर आजम भी हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, या फिर जो भी माइनॉरिटीज अभी अगर जो रह गई हैं उनके साथ ऐसा बॉन्ड बनाए और उनके भी हर छोटी बड़ी खुशी में शरीक हो। वीडियो बहुत पसंद आई है, आपको कैसी लगी अपनी राह हमारे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।